अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपका मेज़बान रानी मालिक हाफिज मोहम्मद उस्मान। आज का हमारा मौजू है फोड़े पिंसियों का इलाज। बाज़ दफ़ा बच्चों के जिस्म के ऊपर फोड़े पिंसियाँ बहुत ज़्यादा निकल आते हैं और उनको दवाई वगैरह इस्तेमाल करवाने के बावजूद ख़त्म नहीं हो रही होते। इसी तरह बड़ों के मखसूस जगह पर कोई फोड़ा पिंसी वगैरह निकल आते हैं या कोई ऐसा जिसको गढ़ बोलते हैं, बाज़ जहर बात बोल देते हैं, बाज़ कुछ इस तरह के अगर मसाइल आ जाएं, बीमारी आ जाए खुदा न खास्ता, तो उसके लिए जो अमल आपकी खिदमत में पेश करूँगा बहुत ज़बरदस्त है। बाज़ ख़वातीन के चेहरे के ऊपर कुछ इस तरह के दाने निकल आते हैं, मौके निकल आते हैं, पिंपल्स निकल आते हैं, तो उसकी वजह से भी काफ़ी परेशानी होती है उनको। दवाइयाँ वगैरह इस्तेमाल करने से मज़ीद बढ़ जाते हैं क्योंकि दवाइयाँ भी गर्म होती हैं, तो उसकी वजह से ये मसाइल मज़ीद बढ़ते हैं, कम नहीं होते। तो ये जो अमल आज आपकी खिदमत में पेश करूँगा, इस अमल को करने से पहले आप अपनी तशख़ीस कर लें। तशख़ीस में जादू जन्नात के असरात तो नहीं हैं। बाज़ दफ़ा जो बीमारियाँ हैं वो जादू जन्नात लगाते हैं, जादू जन्नात भी आके बीमारी लगाते हैं, फिर उसके ऊपर पहरा देते हैं कि इसके ऊपर आप कोई दवाई असर ना करें। ये बड़ी अजीब बात है, दोबारा बता रहा हूँ कि जादू या जिन्नात आएंगे तो आके बीमारी लगा देंगे। बीमारी लगाने के बाद उसके ऊपर या तो हिसार ऐसा करेंगे या ख़ुद उसके ऊपर पहरा देंगे कि वो मर्ज मज़ीद बढ़ता रहे, कम ना हो और उसके ऊपर किसी किस्म की दवा असर ना करे। तो इसके लिए जब आप तशख़ीस करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपके जादू जिन्नात के असरात हैं, तो आप उसके इलाज की तरफ मुतवज्जे होंगे यकीनन। तो और अपना इलाज करेंगे तो इंशाल्लाह उससे बहुत जल्द फ़ायदा होगा और साथ में मेडिसिन जो इस्तेमाल कर रहे होंगे यकीनन वो मेडिसिन भी आपको फ़ायदा देनी शुरू हो जाएगी। तो इस अमल को करने से पहले आपने हिफाजत के अमाल ज़रूर करने हैं, हिफाजत के अमाल की पाबंदी करनी है ताकि जितना मर्ज़ निकले उतना वापस ना आ सके, उसका रास्ता बंद हो जाए निकलने के बाद। जो शख्स जो साथी चाहते हैं उनको हमारे अमाल मोबाइल पर वक्त पर मौसूल होते रहें, वो हमारे तमाम ग्रुप्स को ज्वाइन कर लें, हमारे फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर लें जो कि बना दिया गया है। आप हज़रात की खिदमत के लिए फेसबुक पेज को लाइक कर लें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें, हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लें। इंशाल्लाह तमाम अमाल आपको बर वक्त आपके मोबाइल पर मौसूल होते रहेंगे और तमाम अमाल को उम्मत मुस्लिमा की खिदमत के लिए शेयर करते रहा करें। अगर किसी को बहुत ज़्यादा पिंपल्स जिस्म के ऊपर अगर थोड़ी पिंसियाँ बच्चों के बहुत ज़्यादा हों तो फिर इस अमल को आपने किसी मेडिसिन के ऊपर करना है या कोई ऐसा लोशन जो कि बच्चे के ऊपर बच्चे के पूरे जिस्म पर मला जाए ये उसके ऊपर करना है, या वैसलीन ले लें उसके ऊपर, या कोई ऐसी क्रीम जो डॉक्टर ने आपको बताई हो उसके ऊपर पढ़ के दम करना है। तो अगर तो बच्चे के पूरे जिस्म के ऊपर हैं तो फिर आपने इस ये आयत को जो मैं आपकी खिदमत में पेश करूँगा इसको आपने रोज़ाना 313 मरतबा अव्वल आखिर 11 दफ़ा दुरूशी पढ़ के उस मेडिसिन के ऊपर दम करना है। आपके पास मेडिसिन अगर नहीं है तो वैसलीन के ऊपर दम करना है, तो वो उस बच्चे को इस्तेमाल करवाएंगे, साथ में पानी पे दम करके वो आप उसको पिलाते रहेंगे। अगर किसी बड़े को किसी ख़ास जगह के ऊपर कोई मौका है, कोई फोड़ा है, कोई फिंसी है जैसे ख़वातीन के चेहरे के ऊपर है, तो वो हर नमाज के बाद 7 मरतबा पढ़ेंगे। अमल को नोट फरमा लें, आयत है उसको नोट फरमा लें। अम अबरमु अमरन फइन्ना मुबरिमून, दोबारा नोट फरमा लें। अम अबरमु अमरन फइन्ना मुबरिमून। इस आयत को आपने हर नमाज के बाद 7 मरतबा पढ़ के अपना लाभ ऐसे करके इसके ऊपर फूंक मार के वहां लगा देना है और बच्चों की क्रीम के ऊपर रोज़ाना 313 मरतबा पढ़ के दम करके उनके जिस्म पर मसाज करवानी है और पानी का दम करके भी बच्चों को पिलाते रहना है और हिफाजत के अमाल की पाबंदी करनी है। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।